أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته It's science lecture of grade 3 In the previous lecture we learned that What is ecosystem? हमने ये सीखा था कि माहौलियाती निज़ाम क्या होता है नंबर टू पे हमने सीखा था कि इंसान किस तरह हैबिटेट को मुतासिर करते हैं इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग याद करने के लिए दिए थे उम्मीद है कि आपने ये तमाम काम याद करके अच्छे रजिस्टर पर लिख लिया होगा नाउ इट्स टर्न ऑफ यूनिट नंबर 6 मटेरियल्स इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट व्हाट आर द मटेरियल्स इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि मटेरियल्स क्या होते हैं नंबर टू पे आप मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ यानी इनकी खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे और नंबर थ्री पे हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज की कितनी टाइप्स होती हैं कितनी किस्में होती हैं इनकी और नंबर फोर पे हम ये पढ़ेंगे कि मटेरियल्स की कितनी किस्में होती हैं नाउ कम ऑन द पेज नंबर 53 सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि व्हाट आर द मटेरियल्स मवाद किसे कहते हैं पेज नंबर 53 ओपन कर लें In ordinary lives, we use many materials. The buildings we live, work and play in are made of different materials. So are our clothes, furniture and different kinds of transport. The word material describes that things are made from. Students, हम अपनी daily life में materials की बहुत सी किस्में use करते हैं. मसलन हम building में रहते हैं, इमारत में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, खेलते हैं. तो वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं जैसे कि कपड़े हैं फर्नीचर्स हैं और बहुत सी दूसरी चीज़ें तो मटेरियल को अगर हम डिस्क्राइब करें इसको बयान करें तो एक वर्ड में इसका मतलब ये होगा कि ऐसी चीज़ जिसे हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे मटेरियल कहा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक टेबल है तो ये टेबल किस चीज़ से मिलकर बना है ये वुड से मिलकर बना है लकड़ी से तो लकड़ी क्या है एक मटेरियल है इसी तरह स्पून और नाइफ्स आयरन से मिलकर बनी है तो आयरन एक मटेरियल है ये बुक्स पेजेस से मिलकर बनी है तो पेजेस भी एक मटेरियल हैं इसी तरह ये टॉवल्स हैं जो फैब्रिक से मिलकर बने हैं तो फैब्रिक एक मटेरियल है ये बोटल्स हैं जो प्लास्टिक से मिलकर बनी है तो यहाँ पे प्लास्टिक क्या है एक मटेरियल है तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि मटेरियल किसे कहते हैं नंबर टू पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ यानी कि इनकी खसूसियात क्या होती हैं मटेरियल्स की मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नंबर वन पे हैं ट्रांसपेरेंट एंड ओपैक कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ मटेरियल्स ओपैक होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स लाइक ग्लास अलाउ लाइट थ्रो यू कैन सी थ्रो देम ओपैक मटेरियल्स लाइक वुड डू नॉट लेट एनी लाइट थ्रो यू कैन नॉट सी थ्रो देम ओपैक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से लाइट गुजर सकती है जैसे कि आपके सामने एक ग्लास है ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसमें से लाइट भी आसानी से गुजर सकती है और हम इसकी मदद से दूसरी साइड पर मौजूद चीज़ों को आसानी से देख भी सकते हैं आप अगर ग्लास को एक जगह पर रखें और दूसरी साइड पर टॉर्च ऑन करें तो आप देखेंगे कि टॉर्च की रोशनी ग्लास की दूसरी साइड पर गुजर कर चली जाती है इट्स मीन कि ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसके अलावा कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें से लाइट नहीं गुजर सकती और ना ही हम उनकी मदद से दूसरी साइड पर मौजूद चीज़ों को देख सकते हैं तो ऐसे मटेरियल जिनमें से लाइट पास ना हो सके उनको ओपैक मटेरियल्स बोलते हैं जैसे कि आपके सामने एक वुड है अगर हम वुड रखें और इसके एक साइड पर टॉर्च ऑन करें तो टॉर्च की रोशनी दूसरी साइड पर नहीं जाएगी इससे क्या साबित होता है कि वुड एक ओपैक मटेरियल है स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक एक एग्जांपल दी है ओपैक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की इसके अलावा भी बहुत से मटेरियल्स हो सकते हैं जो कि ओपैक भी हो सकते हैं और ट्रांसपेरेंट भी ये थी मटेरियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि ओपैक और ट्रांसपेरेंट है अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं और कुछ ऑब्जर्वेंट होते हैं वाटर प्रूफ मटेरियल्स डू नॉट सोक अप वाटर दे आर नॉट ऑब्जर्वेंट ऑब्जर्वेंट मटेरियल सोक अप वाटर दे आर नॉट वाटर प्रूफ स्टूडेंट्स कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से आसानी से पानी नहीं गुजर सकता यानी कि वो पानी को अपने अंदर जज़ब नहीं कर सकते ऐसे मटेरियल्स को वाटर प्रूफ मटेरियल बोला जाता है
जैसे कि अम्ब्रेला है या कोई भी रेन कोट, इनमें से पानी नहीं गुजर सकता और इनको वाटर प्रूफ बोला जाता है। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें से पानी गुजर सकता है, जज्ब हो जाता है, इनको अब्सॉर्बेंट बोला जाता है। ये मटेरियल्स पेपर के भी हो सकते हैं और कपड़े के भी बने हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं और ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड सम काइंड्स ऑफ स्टील आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक होते हैं, वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके साथ मैग्नेट आसानी से अट्रैक्ट हो सकता है, उनके साथ चिपक जाता है। ये आयरन के बने होते हैं, इनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। इसके बरक्स कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनके साथ मैग्नेट्स अट्रैक्ट नहीं हो सकता। वो कौन से होते हैं? ये वुड के भी बने हो सकते हैं, ग्लास वगैरह शीशे के भी बने हो सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के, वुडन के और पेपर के भी जो मटेरियल होते हैं ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके साथ मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट होता। नाउ कम ऑन द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज़ फ्लेक्सीबल एंड रिजिड। कुछ मटेरियल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स लाइक क्लॉथ एंड पेपर आर इजी टू बेंड। रिजिड मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड कंक्रीट कैन नॉट बी बेंड इजीली। कुछ मटेरियल्स को हम आसानी से बेंड कर सकते हैं, उनको मोड़ सकते हैं, उनको फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को फ्लेक्सिबल मटेरियल्स कहते हैं। ये मटेरियल्स कपड़े के भी बने हो सकते हैं, कागज़ वगैरह के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। इसके अलावा जब हम अपने कपड़े फोल्ड करते हैं तो ये भी क्या है? फ्लेक्सिबल मटेरियल्स हैं, हम इनको फोल्ड कर सकते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम बेंड नहीं कर सकते, हम उनको मोड़ नहीं सकते, वो मटेरियल्स रिज्ड मटेरियल्स कहलाते हैं। ये मटेरियल्स वुडन के भी बने होते हैं और सख्त वाली प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं। इसके अलावा ये आयरन के भी मटेरियल हो सकते हैं जिनको हम बेंड नहीं कर सकते। नाउ कम ऑन द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज स्ट्रॉन्ग आर वीक, हार्ड आर सॉफ्ट। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल्स लाइक रॉक्स एंड स्टोन्स आर डिफिकल्ट टू स्क्रैच और ब्रेक। सम थिंग्स आर सॉफ्ट, सम थिंग्स कैन बी हार्ड टू टच बट ईजी टू ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास जार इज वीक, इफ इट इज ड्रॉप्ड इट विल ब्रेक। स्टूडेंट्स, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि स्टोन है या कोई भी आयरन की बनी हुई चीज़ है। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, इनको तोड़ नहीं सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते। ऐसे मटेरियल को स्ट्रॉन्ग मटेरियल भी बोलते हैं और हार्ड मटेरियल भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि देखने में तो वो लगते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर हम उनको कहीं पे फेंकें, नीचे गिरा दें, तो वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं। ऐसे मटेरियल को सॉफ्ट मटेरियल बोला जाता है। नाउ कम ऑन द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट इज कंडक्टर। सम मटेरियल्स लाइक मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दिस मीन हीट कैन ट्रेवल थ्रू देम इजिली। सम मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल्स लाइक वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स डो नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू देम। स्टूडेंट्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इट्स मीन कि वो हरारत के अच्छे मौसूल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम उनको गर्म करते हैं तो उनमें से हरारत इजीली पास हो सकती है, गुजर सकती है, यानी कि वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। इनको गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है। अब कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं कि जिनमें बिजली आसानी से पास हो सकती है, उनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। पानी भी एक गुड कंडक्टर है और आयरन या लोहे से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो भी अच्छा मौसूल होती हैं बिजली का। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि ना तो उनमें से हीट पास हो सकती है और ना ही उनमें से बिजली पास हो सकती है, गुजर सकती है। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कि ये इंसुलेटर्स हैं। अभी तक हमने मटेरियल्स की सिक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज की कितनी टाइप्स होती हैं। कोई भी चीज़ जिस तरीके से हासिल होती है ना, उनको रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज तीन तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं। जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, वो कुदरती ज़राए होते हैं, जैसे जंगलात हैं, ट्रीज़ हैं, रिवर्स हैं, एयर है, इसके अलावा वाटर है। ये तमाम रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं।
इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए इंसान जो चीज़ें बनाते हैं उनको ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। मसलन इंसान ने वुड को यूज़ करके टेबल्स या कोई भी चीज़ बनाई है तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा कैपिटल रिसोर्सेज हैं, कैपिटल रिसोर्सेज में मशीनरी वगैरह आ जाती है या फिर कोई भी टूल्स या इक्विपमेंट्स जिनको इंसान इस्तेमाल करके मज़ीद नई चीज़ें बनाते हैं, इनको कैपिटल रिसोर्सेज कहते हैं। नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट, काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंसान कुदरती ज़राए को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पेपर के बारे में पढ़ेंगे। पेपर इज़ अ मैन मेड मटेरियल, इट इज़ मेड फ्रॉम वुड फाइबर विच इज़ अ नेचुरल मटेरियल। पेपर एक मैन मेड मटेरियल है, यानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, और इंसानों ने इसे कैसे हासिल किया है, नेचुरल मटेरियल्स के साथ। कुदरती जो रिसोर्सेज थे ना, नेचुरल रिसोर्सेज, उनसे इंसानों ने लकड़ियां हासिल की और लकड़ियों से फिर ये पेपर तैयार किए। लकड़ियों को काट कर उनके साथ गोदा तैयार किया और फिर फाइनली पेपर तैयार हुआ। सेकेंड जो टाइप है मटेरियल्स की वो है मेटल्स। पहली टाइप हमने पढ़ी है पेपर, और सेकेंड टाइप है मेटल्स। कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो मेटल्स यानी धातु से भी तैयार किए जाते हैं। धातें कहाँ से हासिल होती हैं, वो चट्टानों से या फिर कच धातु से हासिल होती हैं, और इनकी कोई शेप नहीं होती। फिर इनको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर मुख्तलिफ शेप्स दी जाती हैं। मसलन स्पूंस हैं या फिर सॉस पैन है, कार्स हैं, कॉइन्स हैं, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मेटल्स के साथ तैयार की जाती हैं। और ये जो मेटल्स के साथ तैयार होने वाली चीज़ें होती हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होती हैं। इनमें से हरारत भी गुजर सकती है और बिजली भी इजीली पास हो सकती है। इसके अलावा मेटल और आयरन से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं वो मैग्नेटिक भी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड टाइप जो कि है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो नेचुरली तो तैयार नहीं होती, कुदरती तौर पर हासिल नहीं होती, लेकिन इसको केमिकल्स के ज़रिए तैयार किया जाता है। जो प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें होती हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और वाटरप्रूफ भी होती हैं, यानी पानी को वो अपने अंदर जज्ब नहीं करती। प्लास्टिक से बनने वाली कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, इनमें से रोशनी गुजर सकती है। और इसके अलावा जो प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें होती हैं वो नॉन मैग्नेटिक होती हैं, यानी मकनतीस उनको अपनी तरफ नहीं खींच सकता। इसके अलावा ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होती, इनमें से ना तो हीट पास हो सकती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। प्लास्टिक से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि बैग होते हैं, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बोटल्स हैं, और बच्चों के टॉयज वगैरह बनाए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि प्लास्टिक को जब वो एक बार यूज़ हो जाए तो उसको रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। नाउ कम ऑन द थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल, दैट इज़ ग्लास। तीसरी जो किस्म है ये ग्लास है, यानी कि कांच, और ये रेत को पिघलाकर तैयार किया जाता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें से रोशनी गुजर सकती है। कुछ ग्लास जो होते हैं, कुछ जो कांच की चीज़ें बनी होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ को हम इजीली तोड़ सकते हैं। जो ग्लास से बनी हुई चीज़ें होती हैं ये ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट के तौर पर यूज़ होती हैं, यानी कि ये विंडोज़ में और जो हमारी स्पेक्टिकल्स होती हैं ग्लासेस, उनमें जो ग्लास होता है ये यूज़ किया जाता है, यानी कि शीशा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो ग्लास है इसको रिसाइकल करना आसान होता है। फोर्थ टाइप जो है मटेरियल्स की वो है फाइबर्स, यानी कि रेशे। फाइबर्स जो होते हैं ये बाल की तरह के लंबे लंबे मटेरियल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये वीक होते हैं। ये अकेले हों तो बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मसलन एक अकेला फाइबर हो तो वो तो इजीली ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये कपड़ा बन जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत कपड़ा बन जाता है। इसके अलावा इसके साथ रोप्स भी बनाई जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, ये थी मटेरियल्स की सिक्स टाइप्स। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर पर वुड से हम मुख्तलिफ चीज़ों को तैयार करते हैं, और ये वुड कहाँ से आती है, ये ट्रीज़ को कट करके हम हासिल करते हैं। तो अब हम ट्रीज़ अगर कट करते हैं तो हमें इनको प्लांट भी करना चाहिए, यानी कि हमें नए दरख्त भी लगाने चाहिए ताकि जंगलात से दरख्त ख़त्म ना हों। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे चारों असलोज़ कंप्लीट हुए। नंबर 1 पे हमने सीखा कि मटेरियल्स किसे कहते हैं,
मैंने आपको कंप्लीट डेफिनेशन भी बताई। नंबर टू पे हमने सीखा कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी कुछ खसूसियात हमने सीखी। नंबर थ्री पे हमने सीखा कि रिसोर्सेज की कितनी टाइप्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैन मेड हैं और कैपिटल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा नंबर फोर पे हमने सीखा कि मटेरियल्स की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, इनकी कितनी किस्में हैं। इस तमाम पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल के साथ बताए, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे।